हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डेंगू। आज हम इस वीडियो में डेंगू के बारे में पढ़ेंगे, डेंगू के क्या कारण है, किसके कारण से डेंगू होता है, कि क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, कैसे डायग्नोस करेंगे, क्या प्रिवेंशन है, क्या उसकी वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे डेंगू का। डेंगू क्या है? डेंगू इज़ अ वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्किटो। ठीक है, किसके द्वारा होता है? एडीज मॉस्किटो के द्वारा होता है। इट इज़ अ मेजर ग्लोबल हेल्थ कंसर्न। बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न या फिर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत लाखों मिलियंस में जो पीपल हैं इससे अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज सिम्टम्स, हमें इसके कारण, इसके सिम्टम्स, इसके बचाव, उन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, तभी तो हम बचाव कर सकेंगे। अगर मान लो डेंगू हो गया तो फिर हमें आगे की नहीं पता कि क्या करना चाहिए, कैसे पता करें, कैसे डायग्नोस करें, ठीक है, उसका कैसे ट्रीटमेंट लें, तो वो सारी चीज़ें हमें उसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, जब तो हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले वही चीज़ है, डेंगू पढ़ लिया। ठीक है भाई, कॉजेस क्या कारण है डेंगू होने के। ठीक है, सबसे पहला है मॉस्किटो बाइट, मतलब जो मच्छर हमें काट लेगा उसके कारण से हमें डेंगू हो सकता है। डेंगू इज़ प्राइमरी स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो, वो भी इन्फेक्टेड, मान लो कोई मच्छर है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मच्छर ने हमें खा लिया तो हो गया, ऐसा नहीं। किसी को डेंगू हो रखा है और उस मच्छर ने, ठीक है, उसको खा लिया और उसने फिर हमें खा लिया, तो इस तरीके से उसका डेंगू हमें फैल सकता है। किसके थ्रू? एडीज मॉस्किटो के थ्रू। ये क्या है? एक वेक्टर है, जो मॉस्किटो है वो एक वेक्टर है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डेंगू करने के लिए। ठीक है, पार्टिकुलरली द एडीज एजिप्टी एंड द एडीज एल्वोपिट्स स्पीसीज, इनकी भी अलग अलग स्पीसीज होती है, पर मेनली एडीज एजिप्टी जो है वो डेंगू कॉज करती है। नेक्स्ट, वायरस ट्रांसमिशन, एक दूसरे से वायरस से भी ट्रांसमिट हो सकता है। डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड देन गोज टू अ बाइट अनदर पर्सन। वही सेम चीज़, एक पर्सन को जो इन्फेक्टेड है उसको मॉस्किटो ने खा लिया और दूसरा को मॉस्किटो बाइट करने वाला, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो क्या है, एक से दूसरे में हो रहा है। ठीक है, इसके क्या है, अलग अलग टाइप्स हैं वायरस टाइप्स, क्या क्या है, डेंगी वन, डेंगी टू, डेंगी टू, डेंगी थ्री, डेंगू फोर। ठीक है, इसके क्या हैं, अलग अलग स्पीसीज़ हैं। जैसे कि आपने देखा कोरोना वायरस है, उसके अलग अलग स्पीसीज़ आई, इस तरीके से डेंगू की भी अलग अलग स्पीसीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स, भाई लक्षण क्या देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, नॉर्मली जो अर्ली सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, बुखार आता है, सिंपल सी सडन हाई फीवर होगा, हेडेक होगा, सिर में दर्द होगा, पेन होगा, पेन बिहाइंड द आइज़, इसमें क्या होगा, जो हमारी आंखों के पीछे ऑर्बिटल एरिया है उसमें हमारा पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, मसल एंड जॉइंट पेन, हाथ पैरों में हड्डी टूटने जैसे हमें फील होगा, इतना दर्द होगा, एंड कैरेक्टरिस्टिक स्किन रैश। ठीक है, और हमें चकते चकते से दिखने को मिल सकते हैं। ये है अर्ली सिम्टम्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लेटर सिम्टम्स, मतलब उसके थोड़ी ही, जैसे थोड़ा सा सीवियर हुआ उसके बाद हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, फटीग मिल सकता है, मान लो हमारी शरीर में जब मसल पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो थकावट तो दिखेगी, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग दिख सकता है, एब्डोमिनल पेन दिख सकता है, ठीक है, अनयूजुअल ब्लीडिंग दिख सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेंगू भी कई तरीके का होता है। सबसे पहले नॉर्मल डेंगू फीवर होता है, उसके बाद क्या कंडीशन, अगर सीरियस हो जाती है तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है, जिसमें कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है हमारे अलग अलग ऑर्गन से, नोज से, माउथ से। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर हम कैनल लगा रहे हैं उससे ब्लीड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हो जाती है हमें डेंगू शॉक सिंड्रोम। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल है सीवियरिटी के। ठीक है, नेक्स्ट है सीवियरिटी लेवल। अगर मान लो कि जो डेंगू है बिल्कुल सीवियर लेवल पे पहुंच गया, ठीक है, तो उसमें क्या हमें देखने को मिलेंगे साइन एंड सिम्टम्स, डेंगू कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। माइल्ड से किस में पहुंच गया है, सीवियर में, विद सम केसेस प्रोग्रेसिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग डेंगू हेमरोजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। इस कंडीशन पे आके पेशेंट किस में चला जाता है, भाई उसकी लाइफ को खतरा हो जाता है, किस कंडीशन में, जब अगर उसको डेंगू हेमरोजिक फीवर हो जाए या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाए। ठीक है, ये अलग अलग स्टेजेस हैं। अगर डेंगू नॉर्मली फीवर आ रहा है
बस हल्के फुल्के फाइनल सिम्टम्स हुए, ठीक है हमने ट्रीटमेंट लिया, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यही सीवियर हो जाते हैं, हेमोरेजिक कंडीशन पे पहुंच जाता है, तो हेमोरेजिक का मतलब ही है ब्लीडिंग होना, ठीक है, हमारे किसी भी पार्ट से ब्लीड होना स्टार्ट हो जाना। किस कंडीशन में? हेमोरेजिक कंडीशन में। इसमें क्या होगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होगा? जो प्लेटलेट्स हैं उनका लेवल डाउन हो जाता है। प्लेटलेट हमारी बॉडी में क्या काम करती हैं? क्लॉट बनाने का, थक्का जमाने का काम करती हैं, हमारे ब्लड में थक्का जमाने का काम करती हैं, ठीक है। तो जब प्लेटलेट कम हो जाएंगी तो हमारे ब्लड में थक्का ही नहीं जम पाएगा। तो अगर हमने कैनुला लगाया तो वहीं से ब्लीड स्टार्ट हो जाएगी, माउथ से ब्लीडिंग हो जाएगी, नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि प्लेटलेट का काम ही नहीं हो पा रहा है, कम है तो, ठीक है। नेक्स्ट, डेंगू शॉक सिंड्रोम में बहुत सारी कंडीशन होती है, पेशेंट शॉक में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? भाई डायग्नोसिस का सिंपल है कि ब्लड टेस्ट करेंगे, उससे हमें डायग्नोस मतलब उससे हमें कंफर्म हो जाएगा या हमें पता चल जाएगी, ठीक है। लेकिन ब्लड टेस्ट में भी क्या है? डायग्नोसिस इज थ्रू ब्लड टेस्ट दैट डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ डेंगू वायरस और एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस, ठीक है। उसमें ही हमें एंटीबॉडीज अगर हम करना चाहें तो उससे पता कर सकते हैं, अगर हम ब्लड टेस्ट डेंगू का करना चाहें तो उससे भी हमें पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइमिंग। टाइमिंग हमें हमें रखनी है कि ऐसा नहीं कि हमें भाई बहुत लेट कर दिया डेंगू कराने में, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट आर मोस्ट एक्यूरेट, एक्यूरेट होते हैं ब्लड टेस्ट व्हेन परफॉर्म्ड परफॉर्म अ फ्यू डेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। जैसे ही सिम्टम्स स्टार्ट हुए उसके एक दो दिन में ही अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वो एक्यूरेट होते हैं, ठीक है, और अच्छे तरीके से किए भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें डेंगू हुए, सिम्टम्स भी हमें देखना स्टार्ट हो गए, उसके 10-12 दिन बाद हम ब्लड टेस्ट करा रहे हैं तो उसमें क्या होगा? सीवियर कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अलग अलग वो होते हैं वायरल इन्फेक्शंस, उसमें भी, ठीक है ना, उसमें भी हमें मेडिकल एवोल्यूशन की ज़रूरत होती है, ब्लड टेस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, कन्फर्मेशन के लिए भी ज़रूरत पड़ती है हमें, जिससे कि हम आगे उसका ट्रीटमेंट कर सकें, उसको मॉनिटरिंग कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, नॉर्मल तो ठीक है, नॉर्मल डेंगू हमने ट्रीटमेंट लिया ठीक हो गया, लेकिन अगर उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? सबसे पहले ऑर्गन इम्पेयरमेंट हो सकता है, कोई भी ऑर्गन में डैमेज हो सकता है, ठीक है। सीवियर डेंगू कैन लीड टू ऑर्गन इम्पेयरमेंट सच एज लिवर डैमेज, लिवर में डैमेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, सर्कुलेटरी इशूज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्लाज्मा लीकेज। प्लाज्मा लीकेज में क्या होगा? डेंगू हेमरोजिक फीवर में मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट कम हो जाती है, उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसके कारण से प्लाज्मा लीकेज हो सकता है कहीं से भी, ठीक है। लीडिंग टू फ्लूड एक्युमुलेशन इन द बॉडी एंड शॉक एंड, ठीक है, बॉडी फ्लूड जो है बॉडी में इकट्ठा हो सकता है, शॉक की कंडीशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ क्या है? कॉम्प्लिकेशंस, मतलब सीवियर हो सकती हैं अगर हमने ध्यान नहीं दिया, उसका ट्रीटमेंट टाइम से नहीं लिया, मॉनिटरिंग नहीं की। ऑर्गन फेलियर, अगर इन सब के बाद भी अगर हम नहीं ध्यान देते हैं तो लास्ट में क्या हो जाएगा? ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, ऑर्गन काम करना ही बंद कर देगा। इन मोस्ट सीवियर केसेस डेंगू कैन प्रोग्रेस टू ऑर्गन फेलियर सच एज लिवर फेलियर, लिवर फेल हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। प्रिवेंशन, क्या क्या हम बचाव कर सकते हैं कि डेंगू हो ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मॉस्कीटो पे कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, यूज़ मॉस्कीटो रेपेलेंट्स, मतलब, ठीक है, वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, अच्छे से कपड़े पहने जिससे कि मॉस्कीटो हमें बाइट ना करे। एलिमिनेट ब्रीडिंग, मतलब जहाँ जमे होने वाले मच्छर, पानी पानी बहुत दिन का जमा हुआ है उसमें बच्चे ब्रीड कर जाते हैं, मॉस्कीटो ब्रीड कर जाते हैं, उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। रिड्यूस एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड मॉस्कीटोज, हमें कम से कम बचना चाहिए कि भाई कोई इन्फेक्टेड मॉस्कीटो वो हमें बाइट ना कर दे। तो वही चीज़ है कि घूम फिर के हमें मॉस्कीटो को कंट्रोल करना चाहिए, मॉस्कीटो से बचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्लीन एनवायरनमेंट, अगर हम अपने एनवायरनमेंट को ही साफ सुथरा रखेंगे तो ना वहाँ पर मॉस्कीटो ब्रीड करेंगे, ठीक है, ना मॉस्कीटो होंगे तो ना हमें इन्फेक्शन होगा। मेंटेन अ क्लीन एंड ड्राई एनवायरनमेंट एज एडीज मॉस्कीटो ब्रीड इन अ स्टेग्नेंट वाटर, क्योंकि ज़्यादातर जो एडीस मॉस्कीटो हैं वो रुके हुए पानी में ही ब्रीड करते हैं, तो हम ऐसी कंडीशन ही क्यों आने दें। वैक्सीनेशन, वैक्सीन आर अवेलेबल इन सम कंट्रीज टू हेल्प प्रिवेंट डेंगू, डेंगू से बचने के लिए अभी हो रही है अवेलेबल, ठीक है, थ्रो देयर इफेक्टिवनेस इज स्टिल बीइंग इवेल्यूएटेड,
वैक्सीन्स भी आ रही हैं, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए, पता ही नहीं है पब्लिक को डेंगू के बारे में कि कैसे होता है, तो वो कैसे बचाव करेंगे, ठीक है ना। तो एजुकेटिंग द पीपल अबाउट डेंगू इट्स सिम्टम प्रिवेंशन मेजर, ठीक है, कि कैसे फैलता है, उन सब चीज़ के बारे में पब्लिक को अवेयर कराना चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर हमें सपोर्टिव केयर, ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं, सबसे पहले उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, सपोर्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए, पेशेंट विद डेंगू रिक्वायर क्लोज मॉनिटरिंग, उसको हमें मॉनिटरिंग करनी है टू डिटेक्ट एनी वार्निंग साइन और प्रोग्रेशन टू सीवियर डिसीज़, कहीं नॉर्मल डेंगू से कहीं वो सीवियर कंडीशन में ना चला जाए, उसके लिए हमें उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अगर कोई दिक्कत है, सीवियर केसेस है, तो उसको हमें हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए, सीवियर केसेस ऑफ डेंगू में रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, उसको इंटेंसिव मेडिकल केयर की ज़रूरत है, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस को हम मैनेज कर सकें और उसकी लाइफ थ्रेटनिंग होने से बचा सकें, ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में हमने पढ़ा कि भाई डेंगू किससे, डेंगू क्या है, किसके कारण से होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, अगर सीवियर हो जाए तो क्या कंडीशन हो सकती है, कैसे बच सकते हैं, उसका क्या क्या हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।